जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे जलगांव नागपुर पुणे महाराष्ट्र में आयोजित शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव के सुमंगल अवसर पर 1 से 5 अप्रैल 2023 तक सकल जैन श्री संघ जलगांव एवं सकल जैन भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुए विविध कार्यक्रमों के विशेष दृश्य। 1 अप्रैल 2023 के शुभ दिन से इस महामहोत्सव का मंगलमय शुभारंभ हुआ। इस दिन प्रातः की मंगलमय बेला में सबसे पहले ट्रेजर हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक भक्तों द्वारा भाग लेकर शाश्वत जैन धर्म की भव्य प्रभावना की गई। इस दिन के कार्यक्रम के क्रम में आगे शुद्ध नवकार मंत्र लेखन प्रतियोगिता का सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें समाज के होनहार महिला वर्ग एवं नौनिहालों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन किया। तत्पश्चात दोपहर के समय ध्वज बनाओ सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा एक से बढ़कर एक सुंदर धर्म ध्वज बनाए गए। इसी दौरान समाज के महिला वर्ग द्वारा जैन आगम वक्तव्य स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने जैन आगम पर आधारित अपने अपने मंगलमय वक्तव्य सभा के समक्ष प्रस्तुत किए। लुक एंड लर्न द्वारा आयोजित जैन आगम वक्तृत्व स्पर्धा के इस आयोजन के लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और साथ ही में इस वक्तृत्व स्पर्धा में जिन जिन स्पर्धकों ने भाग लिया है उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आगम में भगवान महावीर द्वारा बताए गए अद्भुत रहस्य है। ऐसे तो हमारे 32 आगम है और वे सभी ही प्राकृत भाषा में। हमारे 32 आगम साल भर है, पर उनमें से मैंने चुना पांचवा अंग सूत्र श्रीमद भगवती सूत्र को, जिसका दूसरा नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। वर्तमान में इसे विवाह परिणति नाम भी मिलता है। इसके अनेकों भाग है। ये एक कालिक सूत्र है, ये एक श्रुत स्कंध है। इसमें लगभग 15,000 गाथा प्रमाण है। आगम की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, पर समय की सीमा होने की वजह से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। यह सब बोलते समय अगर मेरे द्वारा आगम विरुद्ध तो कुछ बोला गया है तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जहाँ पर बड़ों का आदर हो डेली, जहाँ खुशियों की हो हमेशा रंगोली, जहाँ आपस में रिश्ते हो जॉली, नाज है जिस पर ऐसी रायसोनी फैमिली, नाज हो जिस पर ऐसी रायसोनी फैमिली। अगले दिन यानी 2 अप्रैल 2023 को तड़के सुबह जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेडीज विंग द्वारा अहिंसा एवं विश्व शांति हेतु अहिंसा दौड़ का आयोजन किया गया, जो बेहद भव्य रहा।
हो, बॉम्बे से पहुंचे हैं, मेरा मान रख के वो आए, इसलिए मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अशोक बाबू जैन, उनके बारे में क्या बोलूं, बैकबोन है हमारे जीतो लेडीज विंग के। 1010 रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाए है, और साथ में आप जो जूस और केले का जो मजा ले रहे हैं उन्हीं की बदौलत है। धन्यवाद अशोक बाबू, और हमेशा भविष्य में भी आपका साथ हम चाहेंगे। इस दौरान जैन युवा फाउंडेशन कमलाबाई जवरीवाला राका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मोबाइल जल सेवा का लोकार्पण किया गया। अंत में जो हमारे आज के सपोर्टर हैं, जो आज इस इवेंट को इस मुकाम तक पहुंचाने में जिन्होंने हमारा मदद की है, उनको मैं एक वृत्ति वृंद की तरफ से छोटा सा मोमेंटो देकर उनका स्वागत करना चाहती हूं और उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। तो सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी महावीर ज्वेलर्स, श्री अजय जी। नहीं नहीं, वो एक छोटा सा टोकन है, हम और कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे अंकल। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के समिति मार्फत जो कार्य चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे कार्य चल रहे हैं। कल से हर कार्य में पहले से कई ज़्यादा, मतलब दुगुनी तिगुनी अटेंडेंस सभी कार्य में लगते हैं। और आज तो पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड जलगांव ने तोड़ा, ऐसा अभी मुझे मालूम पड़ा है। अगर लोक संख्या और आज की उपस्थिति अगर इसका एवरेज निकाले तो इंडिया के अंदर जलगांव की अटेंडेंस टॉप मोस्ट पर थी। तो सभी को बधाई है, आगे भी बहुत अच्छे कार्यक्रम होने वाले हैं। इसी क्रम में कोठारी मंगल कार्यक्रम में विरति वृंद द्वारा एक अति भव्य कार्निवल का आयोजन रखा गया, जिसमें खासकर महिलाओं और बच्चों द्वारा काफी लुत्फ उठाया गया। जो भी मंगल कार्य होता है उसकी शुरुआत हम उनका स्मरण करने से करते हैं, जो है जिनके स्मरण से होता है जीवन पावन, आत्मिक सुखों का बरसता है सावन। पंच परमेष्ठी भगवान का करके ध्यान, पंच परमेष्ठी भगवान का करके ध्यान। आज नौकर मंत्र गाने आ रहे हैं जय आनंद ग्रुप के सभी मंगल गान। Thank you.
आज के इस शुभ प्रसंग पर भाई कलश कुमार जी, जो कि मनमाड़ निवासी है, वो आने वाले 27 तारीख को दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। वे मनमाड़ के होंगे तब भी दीक्षा ग्रहण करने वालों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, और ऐसे भी उनका जलगांव से भी रिश्ता जुड़ा हुआ है। इनका ननिहाल जलगांव का ही है, और इसीलिए जलगांव वासियों का तो और भी फर्ज बन जाता है कि जो साहस वो कर रहे हैं, जो कदम वो उठा रहे हैं, उसके लिए उन्हें शुभकामनाएं दे। से हम अलविदा लेते हैं, हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र कहते हैं, बस हमको आप यूं ही याद रखना, इतना ही कहकर अब हम चलते, अब हम चलते हैं, अब हम चलते, इतना ही कहकर अब हम चलते। इसी दिन आयोजित इन शुभ कार्यक्रमों की श्रृंखला में बाल गंधर्व नाट्य गृह में एक भावपूर्ण धार्मिक नाटिका की प्रस्तुति दी गई। महिला संघ की ओर से ज्योति कोटेचा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम और आप मिलकर देखेंगे दो छोटी छोटी नाटिकाएं। एक है मैना सुंदरी और श्रीपाल राजा की, नौपद ओली जी की। अभी तो नौपद ओली जी चालू ही है, तो उनकी अपन महिमा देखेंगे। दूसरी है उत्तम क्षमा की। जी हाँ, अगर हमसे अनजाने में कोई गलतियाँ हो जाती है, अगर हम उसकी तहे दिल से, अंतकरण से अगर क्षमा मांगते हैं, तो हमारे जीवन में हेलो अवश्य परिवर्तन आता है। आज हम बहुत खुश हैं, हमारी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए। हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने, योग्य वर देखकर इनका विवाह करवा देंगे। बेटी सुरसुंदरी, बेटी मैना सुंदरी, आज हम अति प्रसन्न है। मांगो, क्या मांगती हो? जो तुम मांगोगी वह हम तुम्हें देंगे। मंत्री जी, मैना सुंदरी को बुलाया जाए। प्रणाम पिताश्री। बेटी मैना, हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, तुम भी विवाह योग्य हो गई हो। नहीं पिताजी, मैंने कोई वर पसंद नहीं किया है, उसके तकदीर में जो लिखा है वो उसे मिलकर रहता है। पिताजी, तुम हमारा अपमान कर रही हो। चार अक्षर धर्म के क्या पढ़ लिए, हमें सिखा रही हो? हमारा मान सम्मान गुणगान करने के बजाय हमारा अपमान कर रही हो। अब भी मान लो, सिर्फ और सिर्फ हम ही तुम्हारा भाग्य अच्छा बना सकते हैं। धर्म का पालन और प्रचार करते फिरते हैं, मांग के जो भी मिला खाते हैं। हमें कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना नहीं आता, हम तो सिर्फ धर्म का मार्ग जानते हैं। अपने किए कर्म का फल तो मिलता ही है। पिछले जन्म में आपके पति ने कोड़ी कोड़ी कहकर रोगियों को चिढ़ाया था और उनके साथियों ने अनुमोदन किया था, इसीलिए उन्हें कोर हो गया है। हाँ गुरुदेव, आप सच कह रहे हैं, हंसकर बांधे कर्मों को रोकर भोगना ही पड़ता है। देवेंद्र पूज्यम त्रिलोकनाथम पुण्य भंडारम अतिशयरारम। देवेंद्र पूज्यम त्रिलोकनाथम पुण्य भंडारम अतिशय धारम। अचिंत्य चिंतामणि समानम सदैव
प्रस्तुति बहुत ही सुंदर अरियंत मार्गी महिला मंडल ने दी, उनको पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 3 अप्रैल 2023 के शुभ दिन की मंगलमय बेला में युवाचार्य ग्रुप द्वारा टू व्हीलर रैली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवा वर्ग ने भाग लेकर जैन धर्म की महती प्रभावना की। तत्पश्चात जैन महिला मंडल द्वारा बाल गंधर्व नाट्यगृह में भगवान महावीर जीवन दर्शन पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रतिभागियों ने भाग लेकर अपने कला कौशल का प्रदर्शन किया। इसके बाद 3 अप्रैल 2023 की शाम बाल गंधर्व नाट्यगृह में ही श्री सकल जैन भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति 2023 द्वारा सभी प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया। साथ ही सभी मंडलों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वागत गीत, आपके सामने स्वागत गीत लेकर आ रहे समृत मंडल। परमो धर्म के अमर संदेश को जब धरती एक है, जब अंबर एक है, महावीर भी एक है, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ। परम दयालु जग के तारण हारी, तो तीन लोक के नाथ हो, खुशी की है बात हो।
मेरे निराला मोहते मेरे हटाए ऋषभ सुहामना ऋषभ सुहामना उसके लोग की वजह बहती हवा सा था वो उड़ती पतंग सा था वो हमको तो राह चलाती वो खुद अपनी राह बनाता फिर चलता मस्ती में चलता था राज की मौत की वजह किसी को नहीं पता सभी लोग विलाप कर रहे हैं चलिए बहती हवा सा था वो चलो 12th का तो रिजल्ट आ गया अब फ्यूचर का क्या यार यही चिंता तो मुझे भी सता रही है मेरे राज को 95% आए फिर भी वो फर्स्ट नहीं आया अरे अजय तुझे तो खुश होना चाहिए मेरे बेटे को 85% है तो भी मैं बहुत खुश हूँ यार चलो देखते हैं उनकी किस्मत उन्हें कहाँ लेकर जाती है चलो कहो हो बेटा इतो नाराज उदास क्यों लागे है दादाजी महाराष्ट्र या आईआईटी की स्टडी बिल्कुल भी नहीं हुई रही है पर ये पप्पा हमारी बात नहीं सुने हैं आप जरा मैंने समझाओ ना बेटा आईआईटी नहीं पढ़े तो पढ़ोगे तो क्या दिन भर क्रिकेट ही खेलोगे पापा मुझसे नहीं हो रहा है आप मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हो मेरे पर बहुत बड़ा प्रेशर है पापा मेरे तीन तीन सब्जेक्ट बैक रह गए हैं पर बेटा आपको तो 12th में कितने अच्छे मार्क्स आए थे फिर अभी क्या हुआ क्यों आया आपका ऐसा रिजल्ट अजी जरा शांति से उसकी बात तो सुन लीजिए तुम चुप रहो सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है और चढ़ा उसे सर पर अरे अजय तूने शांति से समझा यार मम्मी पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ पर आप मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पा रहे हो अब तक आपने मैंने जो मांगा वो सब दिया मुझे काश मुझे बस थोड़ा भरोसा और वक्त मिल सकता आपका इस बिजी लाइफ ने हमें बहुत दूर कर दिया है पापा आप भी मुझे दूसरों से कंपेयर करोगे तो मैं सुकून कहाँ ढूंढूंगा आपको इसी बात की फिक्र है ना कि लोग क्या कहेंगे पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपका बेटा क्या चाहता है काश बैठ के आराम से आप पूछते मुझे सब ठीक है ना बेटा और मैं बेझिझक आपको सब बताता और आप बिना जज किए मुझे कहते मैं हूं ना बेटा कोई बात नहीं पर अब तो मैं ही नहीं रहूंगा पापा आप सब भी अपने बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ ना डालिए ताकि फिर से राज की कहानी नहीं दोहराई जाए जय जिनेन्द्रा जय महावीर एक तने में एक तेरा जुल रानी आओ सुनाए तुमको एक कहानी एक तने में एक तेरा जुल रानी आठ भवों की प्रीत पुरानी आठ भवों की प्रीत पुरानी नवे भव में टूटी प्रेम की डोरी सारथी इन पशुओं को बंदी क्यों बनाया गया है स्वामी ये सभी प्राणी आपके भारत के भोजन के लिए लाए हैं इसीलिए ये मृत्यु भय से चित्कार कर रहे हैं स्वामी सारथी रथ को बाड़े की ओर ले चलो और सभी पशुओं को बंधन मुक्त कर दो मेरे विवाह के लिए इतने जीवों की हत्या धिक्कार है ऐसे विवाह को नहीं करना मुझे ऐसा विवाह चलो यहाँ से बूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वरमात आई ऐसी अनुपम रात हो खुशी की है बात हो जन्मे के पर्व दयालु जग के तारण हारे तो तीन लोक के नाथ हो
मिस्टर संजय। हेलो सर, जय जिनेंद्र। क्या बात है भाई, आजकल बहुत सुस्त से दिखाई देते हो और चेहरा भी मुरझाया हुआ लग रहा है। पता नहीं सर, काफी दिनों से हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थकान सी भी लगती है, काम में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। अरे डॉक्टर के पास जाओ और अपना मेडिकल चेकअप कराओ। नो नो सर, इट्स ओके, इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगा। शायद काफी दिन से नींद नहीं हो रही है, अच्छी से नींद ले लूंगा, आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। नो नो, टेक इट सीरियसली। ओके सर। तो देखा आपने, जैन कुल में जन्मा वो टपोरी डॉन, उसे कैंसर हुआ। राजू भाई, जो अपने खान पान से होने की उम्मीद रख रहे थे, उन्हें भी कैंसर ने घेर लिया। जिस लड़की को उसकी मम्मी चुप करा रही थी, उसे भी कैंसर डिटेक्ट हुआ। और मिस्टर जैन, उसका भी कैंसर का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो आइए, हमारे जैन सिद्धांत हमें यही बताते हैं कि खेत में सिंचाई के लिए पानी में नाला चाहिए। बच्चों के चारित्रिक एवं आध्यात्मिकता विकास के लिए हर गांव शहर में नैतिक पाठशाला चाहिए। जैनियों के बच्चों बच्चों में भी जिन शासन के प्रति भक्ति भाव भरा है, जिसकी महिमा सबको बताने आ रहे हैं लुक एंड लर्न की ओर से नन्हे प्यारे बाल कलाकार। वीर से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं शासन की एकता चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं शासन की एकता चाहिए। सदियों से ये जिन शासन दुनिया की शान है, शासन माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, शासन हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा शासन हमारा है। वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम। लाल जन्मे कुंडलपुर ग्राम, भक्ति का मौसम छे महावीरा मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, भक्ति का मौसम चले हो जाए मुझको अगर दर्श तेरा, तो पालू मैं सारा जहां। ओ वीरा महरा महावीरा महरा, रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रैन रे। ओ वीरा महरा महावीरा महरा, रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रे। I'm not afraid to die.
भाऊजी तुम्ही बघा भाऊजी कशी करा रोड सेफ्टी कशी करा रोड सेफ्टी महाजी तुम्ही बघा भाऊजी आओ आओ करामत देखो लॉकडाउन की बहुओं का नाटक देखो क्या देखो क्या देखो रास्ता सुरक्षा का नाटक देखो हाथों का कमाल देखो बातों का धमाल देखो ना हमने सिग्नल देखा ना तुमने सिग्नल देखा ना हमने सिग्नल देखा ना तुमने सिग्नल देखा एक्सीडेंट हो गया प्रभुवीरा जय जिनेंद्र आप सभी को हमारा प्रणाम आप लोग तो जानते होंगे रोड सेफ्टी मगर हेलमेट पहना तो क्या मुझे गाड़ी चलाने से डर लगता है अगर सिग्नल फॉलो किया तो ये जलगांव है मेरी जान अगर सीट बेल्ट डाला तो क्या लेट शादी बड़ी बर्बादी लिविंग रिलेशनशिप की बढ़ रही है यादी विचारों में हो रहे मतमतांतर डिवोर्स के केसेस भी हो रहे निरंतर हो रहे निरंतर हो रहे निरंतर बहू को मानो अपनी बेटी आगे बढ़ने की दो आजादी जो वो घर नौकरी की जिम्मेदारियां बखूबी निभाएगी हम सबको देना होगा उसका साथ ये हमारे मन की बात क्योंकि आज की पीढ़ी सक्षम है सक्षम है सक्षम है इसीलिए माता पिता को चाहिए वे अपनी लाडली बेटी के हित का सोचे ताकि आगे चलकर जीवन में उसे कोई परेशानी का सामना न करना पड़े ना करना पड़े ना करना पड़े समय समय पर उसकी गलतियों को उसे डांटते भी रहे ताकि ससुराल में कोई गलती हो जाए और ससुराल वाले डांटे तो वो कोई गलत कदम ना उठाए ना उठाए ना उठाए शादी के बाद इंटरफेयर ना हो पियर का ताकि अपना सके वो परिवार ससुराल का ससुराल का ससुराल का वृद्धा आश्रम में माता पिता को भेजने में एक बेटी का ही हाथ होता है क्या कभी ये सुना है कि किसी कुंवारे बेटे ने अपनी माता पिता को वृद्धा आश्रम भेजा हो जय जिनेंद्र शिल्पा सुनो मैं अगले हफ्ते दुबई जा रही हूँ जय जिनेंद्र दीदी अरे वाह दुबई फिर मेरे लिए क्या लाओगे मैंने सुना है वहाँ कॉस्मेटिक बहुत अच्छा मिलता है तुम्हारे लिए क्या लाना हाँ लाना तो है पर आप देख कर ही लाना कि वो प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री और वीगन तो है ना ये क्या है अरे क्रुएल्टी फ्री मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो एनिमल पे टेस्टिंग करके ना बने हो और वीगन मतलब वो प्रोडक्ट्स जो पशु यानी एनिमल से उत्पन्न ना हुए हो ओहो अच्छा ऐसा भी है क्या हाँ दीदी वैसे तो बहुत सारी कंपनियां क्रूरता मुक्त हो गई है लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनका इंसान पर इफेक्ट चेक करने के लिए पशुओं पर टेस्टिंग होती है पर ये टेस्टिंग माइल्ड तो होगी ना नहीं नहीं ये तो बहुत ही दर्दनाक होती है जिसमें पशुओं को शारीरिक और मानसिक वेदनाएं होती है यहाँ तक की मृत्यु भी अरे बाप रे फिर हम कैसे पहचान सकते हैं दीदी ऐसे प्रोडक्ट के पीछे लिपिंग बनी यानी उछलता हुआ खरगोश बना होता है ओहो शिल्पा तुमने मुझे बहुत बड़े अधर्म से बचा लिया वाह रॉबिन सर वाह आपका तो कोई जवाब ही नहीं
रॉबिन सर के कारण ही तो हमारी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है। लगता है इस साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड रॉबिन सर को ही मिलेगा। सर यह कौन है? लगता है कोई नई स्टाफ है। पर काम क्या करेगी? दिखने में तो बिल्कुल कवार लगती है, कपड़े पहनने का तो बिल्कुल भी सेंस नहीं है। मतलब फुल एंटरटेनमेंट। हाँ हाँ, बॉस ने बताया था मुझे। रॉबिन, ये निकिता मैडम है। निकिता, रॉबिन सर तुम्हें पूरा काम समझा देंगे, ओके? जी मैम। न जाने कैसे कैसे लोग अपॉइंट हो जाते हैं। इस महोत्सव के क्रम में 4 अप्रैल 2023 के शुभ दिन प्रातः की सुमंगल बेला में श्री वासु पूज्य जी जैन मंदिर में सकल जैन श्री संघ द्वारा जैन ध्वज वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तत्पश्चात भगवान महावीर के शाश्वत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु श्री वासु पूज्य जैन मंदिर से जैन युवा फाउंडेशन द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। समाज के युवा वर्ग द्वारा निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा की शोभा देखते ही बनती थी। Thank you.
अनेक मुख्य मार्गों से होकर गुजरते हुए इस भव्य शोभा यात्रा ने शाश्वत जैन धर्म की भव्य प्रभावना की। कार्यक्रम के क्रम में आगे बाल गंधर्व नाट्य गृह एवं मॉडर्न गर्ल्स हाई स्कूल प्रांगण में जैन सोशल ग्रुप गोल्ड द्वारा रक्तदान शिविर के साथ रक्त एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसने समाज सेवा का एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया। तत्पश्चात मॉडर्न गर्ल्स हाई स्कूल प्रांगण में जय आनंद ग्रुप सह सभी संगठन की आयोजन व्यवस्था में स्वर्गीय सदाबाई जी ज्ञानचंद जी रायसोनी परिवार द्वारा श्री महेंद्र जी रायसोनी जी द्वारा सामूहिक नवकारसी का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तगणों द्वारा गौतम प्रसादी का वात्सल्यपूर्ण आनंद लाभ लिया गया। इसके बाद बाल गंधर्व नाट्य गृह में सकल जैन श्री संघ द्वारा जैन ध्वज वंदन का मंगलमय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के श्रेष्ठ गणों ने भाग लेकर जैन धर्म के गौरव में संवर्धन किया। इसी क्रम में आगे बाल गंधर्व नाट्य गृह में ही श्री सकल जैन भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति 2023 द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक को लेकर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पधारे प्रमुख वक्तागणों द्वारा बदलते सामाजिक परिवेश में महावीर वचनों की प्रासंगिकता पर अपने अपने विचार सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए। कल्याणक महोत्सव पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाइयां। आदरणीय मंच उपस्थित सभी सहधर्मी बंधु भाई और एवं बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जियो और जीने दो अनेकांतवाद का दिव्य संदेश देने वाले प्रभु महावीर भगवान का जन्मोत्सव अतिशय हर्ष से भरा आनंददायी है।
आज की यह आध्यात्मिक सुबह हमें वीरवाणी के कई संदेश स्मरण करा रही है। इस धरातल पर प्रभु महावीर जी स्वामी जी का जन्म समस्त मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इतिहास के पन्नों पर हम नज़र डालें और गौर करें, कुसंस्कृतियाँ, कुरीतियाँ और आडंबर को जनमानस से अलग कर मानवता पर अनंत उपकार प्रभु ने किए हैं। इस उपसर्ग कई उपसर्ग सहकर इन्होंने मानव जीवन को उन्नत कर अब उसकी संस्कृति की धरोहर को बदल ही रखा है और मानवता के लिए बेहतरीन जीवन निर्माण किया है। सम्माननीय श्रीमान संजय जी सिंघी साहब अल्पकालीन पूर्व सूचना पर यहाँ पधारे, यह खुशी शब्दों में बयां नहीं हो सकती। इस कार्यक्रम के नियोजन एवं आयोजन में सभी संगठनों का उत्साह अचंभित करने वाला है। मैं आभारी हूँ जय आनंद ग्रुप का, जिन्होंने पूर्वजधारी नियोजन का जिम्मा लिया है। इसके साथ अनेक व्यक्ति एवं संस्था क्रियाशील है, जिसमें अनेक महिला संगठन जिम्मेदारी के साथ क्रियाशील है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। कुछ ऐसे सदस्य भी है जो हर साल रसोई की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, वहाँ पर लाभार्थी परिवार को देखना भी नहीं पड़ता है। इन सदस्यों में श्री राजू भाई दोषी है, पप्पू भाई लुंकड़ है, उसके बाद मनोज लोढ़ा है, धर्मोभाव जैन है, और यहाँ मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा मेरे मित्र महेंद्र जी बाफना, जो खास बड़ौदा से यह जिम्मेदारी संभालने के लिए आए हैं। सुबह 5:30 बजे ट्रेन से उतरे हैं और 6:30 बजे वह रसोई में उपस्थित थे। मैं इनको यहाँ विशेष धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा अनेक ज्ञात अज्ञात व्यक्ति एवं संगठनों ने अपना योगदान दिया है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात आप सब नवकारशी के लिए पधारे, यह विनंती। धन्यवाद। जय जयेंद्र, जय महावीर। प्रभु परमात्मा का सुवास दादावाड़ी से लेकर लाल मंदिर तक, वासुपूज्य स्वामी देरासर से स्वाध्याय भवन तक, तेरा पंथ भवन से होते हुए अरियंत भवन तक, जिन शासन को आच्छादित कर रहा है। जी हाँ, हमारा यह सकल जैन श्री संघ, क्यों ना हम हमारे अतिथियों का स्वागत आज जैन सकल संघ की ओर से करें। हमारी शुरुआत हम आज उस मुख्य अतिथि जो रायपुर से स्पेशली हमारे इस कार्यक्रम के लिए पधारे हुए हैं, ऐसे संजय जी सिंघी, इनका स्वागत करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुरेश दादा जैन इनके कर कमलों द्वारा। मैं विनती करता हूं कि कृपया सुरेश दादा जैन आप हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय जी सिंघी इनका स्वागत सकल जैन की ओर से करें। सकल जैन समाज की ओर से उन्हें मान पत्र देकर सम्मान किया जा रहा है और साथ ही हमारे लाभार्थी परिवार, जी हां, सदाबाई रायसोनी परिवार और उनकी तरफ से महेंद्र भाई। वक्त काफी हो गया है, मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ बोलूं, मगर हुक्म हो गया गांधी जी का, तो आशीर्वाद पर आपको सबको बधाई देता हूँ। ये भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पधारे हुए संजय जी सिंघी और मंच पर विराजित सभी महानुभाव का मैं मनपूर्वक स्वागत करते हुए शीशंग जलगांव की ओर से इनका खूब भावभीना स्वागत करता हूँ। हमारा संघ ये बहुत बड़ा संघ है, वैसा हम लोगों ने सब एक परिपाटी बना के रखी है कि सकल संघ के माध्यम से हम लोग सब मिलके एकत्रित महावीर जयंती बनाते हैं। इस J2J में हमें सभी का बहुत सहकार्य रहा है, लेकिन हमारे मेंटर श्री अतुल भाऊजी जैन, इनका बहुत बड़ा हमें सपोर्ट रहा है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, भाऊ प्लीज़ आप स्टेज पे आए, हम हमारे J2J के फ्लायर का आज लॉन्चिंग करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ प्रेजेंट सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमने हमारे यहाँ स्टॉल लगा रखे हैं, एक बाल गंधर्व में, एक मॉडर्न गर्ल स्कूल में, घर में काम करने वाले जो छोटा बिजनेस है से लेके बड़े से बड़ा बिजनेस, हम सबको जोड़ना चाहते हैं।
रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन वहां कराए। मैं यूथ विंग से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपना फ्लायर लेके आए और स्टेज पे मौजूद सभी अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका भी हमें इसमें सपोर्ट मिले। डायरेक्टरी के लिए विजिट करें j2j.co.in या जीतो यूथ विंग जलगांव से संपर्क करें। जीतो यूथ विंग जलगांव में पहली बार लेकर आ रहा है j2j जैन टू जैन बिजनेस डायरेक्टरी, जिसमें आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराकर अपने बिजनेस नेटवर्क को बढ़ा सके, ऐसा प्रयास जीतो यूथ विंग कर रहा है। J2J आपको जलगांव जिला के सभी जैन बिजनेस की जानकारी कैटेगरी के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू जैन बिजनेस को बढ़ावा मिले, ये हेतु से J2J फॉर्म किया गया है। जैनों को जैनों से जोड़ने का प्रयास जीतो यूथ विंग कर रहा है। डायरेक्टरी के लिए विजिट करे j2j.co.in या जीतो यूथ विंग जलगांव से संपर्क करे। मैं कितना अच्छा ऑलराउंडर हूँ ये तो मुझे नहीं पता, बट भाई साहब आपने मेरे को क्लीन बोल्ड कर दिया। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिशा वंदना। मंच पर विराजित हम सबके आदर के केंद्र समाज हित चिंतक मेरे प्रेरणा सूत्र आदरणीय सुरेश दादाजी जैन, मैं महावीर पे अपने मनोगत व्यक्त करूं उससे पहले इस मुकाम तक मुझे कुछ चुनिंदा सृष्टि वर्ग ने पहुंचाया है, जिनका मैं आज इस मंच से नमन करना चाहता हूं। आदरणीय शांतिलाल जी साहब मूथा, BJS के संस्थापक, और मुझे बहुत अच्छे से याद है बाबूजी, 2011 में भाऊ मूथा जी ने मुझे फ़ोन किया था जब मेरा नया नया BJS से जुड़ा हुआ था कि संजय जलगांव जाओ, एक सभा है जिसमें रतनलाल जी बाफना बातें करने वाले हैं और मैं सोचता हूँ कि तुमको जलगांव जाना चाहिए। 2011 में मैं पहली बार आया और मुझे वो स्थान याद नहीं, एक शायद स्थानक था, वहाँ मैंने पहली बार समाज का विस्तार पूर्वक अध्ययन किसी एक पर्सनालिटी से सुना तो वो आदरणीय रतनलाल जी बाफना साहब थे। उसके बाद 2014 और 2015 में दो बार मुझे जैन हिल्स आने का काम पड़ा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं 48 घंटे उस शख्सियत के साथ रहा जिसने अपने जीवन को जीकर हमारे सामने प्रेरणा प्रस्तुत कर दी कि एक्चुअल में एक आत्मा ने स्वयं का कल्याण करते हुए पूरे समाज के हित में किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसकी जीवंत मिसाल आदरणीय भंवरलाल जी साहब जैन ने हम सबके बीच में प्रस्तुत करके दी है। मैं आज इस मंच से उस आत्मा के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। और फिर 4 अप्रैल 2023 के शुभ दिन ही सायंकाल की मनोरम बेला में वीतराग भवन लाल मंदिर में महावीर दिगंबर चैत्यालय ट्रस्ट द्वारा भगवान महावीर झूला उत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें अनेक भक्तों ने भगवान महावीर की बाल छवि को झूला झूलाकर भगवान महावीर जन्म कल्याणक मनाया। तो दर्शकों, इस तरह इस भव्याति भव्य महायोजन ने यहाँ विराम लिया। इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।